हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बनाने वाले अफगानी शलवार, जिसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और जिस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर दिया है। 34 इंच की लेंथ लेनी है यहाँ पर हमें, और इस तरीके से पॉइंट्स बनाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें ऐड करना है, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और उसमें भी इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। सो यहाँ पर हमें हिप राउंड का निशान लगाना है। हिप राउंड का निशान हम 10 इंच पे लगाएंगे और क्रॉच का निशान हम 13 इंच पे लगाएंगे। 13 इंच पे अगर आप लोग रखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे हमें थाइस का निशान लगाना है। थाइस का निशान हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बस 2 इंच एक्स्ट्रा लेके ऐसे गुलाई दे देनी है और फिर यहाँ पर पैंचे का निशान हम लगाएंगे 13 इंच पे, और फिर इस तरीके से लाइन बना देनी है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है यहाँ से। सो ये देखिए, यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसमें जो क्रॉच का हमने कटिंग करी है उसमें इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आप लोग को ओपन करना है और इस तरीके से दोनों ही साइड यहाँ पर और फिर इधर दोनों ही साइड हमें स्टिच लगा लेना है। यहाँ पर हमने इस तरीके से ये देखिए निशान लगा लिया है। दोनों ही साइड हमें इसी तरीके से ही स्टिच लगा लेना है और फिर इसका पैंचा तैयार करेंगे। सो यहाँ पर हमने जो पैंचा लिया था उसमें इस तरीके से प्लेट्स डालते जाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं बनाती रहती हूँ और न्यू डिज़ाइन लाती रहती हूँ। जो ट्रेंडिंग में होता है वो भी बनाती हूँ। इस तरीके से 1-1 इंच पर हमें प्लेट्स डालनी है और ये इस तरीके से पूरे में ही प्लेट्स बना लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी प्लेट्स बन गई हैं। अब जो हमारी कुर्ती का फैब्रिक था, हमने वो फैब्रिक लिया है, वो हम अपने पैंचे में इस तरीके से लगाएंगे। ये हमने उल्टी साइड से लगाया था, अब हम सीधी साइड इसको पलट देंगे और इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही पैंचे हमें इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब हम इसको फोल्ड करके इस तरीके से किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर दोनों ही साइड हमें सेंटर से स्टार्ट करनी है। अगर हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे दोनों ही साइड से हमें इसी तरीके से स्टिच लगा लेना है। अब हमें इसकी बेल्ट बनानी है, इसमें इलास्टिक डालनी है। सो उसके लिए हम इसको सिंगल फोल्ड कर लेंगे एक बार और इस पर स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरीके से ही पूरे पे ही स्टिच लगा लेंगे। सो ये देखिए, यहाँ पर पूरे पे ही स्टिच लग गया है। अब हमें अपनी कमर की साइज़ की इलास्टिक लेनी है और उस पर इस तरीके से बीच में सिलाई लगा कर और इलास्टिक डालनी है। इस तरीके से हमें पूरे पे ही स्टिच लगा लेना है, जिससे हमारी इलास्टिक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाएगी। और फिर ये देखिए, ये पूरे में ही स्टिच डल गई है। अब हम इस पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे इलास्टिक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। सो आप लोग को ये अफगानी शलवार कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताएँ। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।